गुड मॉर्निंग किड्स. गुड मॉर्निंग सर. आज देखो हमने जो चैप्टर पढ़ा था, क्या चैप्टर का क्या नाम है? द लिटिल फर ट्री. अब देखो इसको क्वेश्चन आंसर करते हैं हम. अब वो बोल रहे हैं टिक द करेक्ट आंसर. जो इसमें से इन तीनों आंसर्स में से जो इसमें से क्या है करेक्ट है उसको पे हमने क्या करना है? टिक करना है. अब वो बोल रहे हैं द प्रेटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीप्स बट. वो बोल रहे हैं जो छोटा वाला जो फर ट्री था वो अपने गोल्ड लीप से खुश तो था लेकिन हुआ क्या? अ गोट केम अलोंग एट एट देम. एक कौन बकरी आई और उसे खा गई. ऑल द लीव्स गॉट वेट इन द रेन. जो उसकी जो पत्तियां थी वो बारिश में भीग गई. अ मैन स्टोल देम. और किसी आदमी ने उन्हें चुरा लिया. अ मैन स्टोल देम. फिर दूसरा क्वेश्चन है कि द फर ट्री वॉज सैड. जो फर ट्री था वो सैड क्यों था? बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट. Because it had needle-like leaves. The fir tree was not happy with the gold leaves. ठीक है, वो बोल रहे हैं the fir tree wasn't happy with the gold leaves because the goats came and ate them up. A man stole them and the gold leaves broke. A man stole them. क्योंकि जो आदमी था उसने क्या कर लिया था? उन जो gold leaves थी उनको क्या कर लिया था? चोरी कर लिया था. अब देखो. By changing the circled words to its opposite, write these sentences. One has been done for you. अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि जिसमें उन्होंने सर्किल लगा रखा है. किसमें लगा रखा है सर्किल? लाइट में. तो आपको लाइट का अपोजिट लिखना है. तो उन्होंने लाइट का क्या लिख दिया? हैवी. अब बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही लिखना है जैसे ये था ना कि आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे. तो उन्होंने लाइट को उल्टा कर दिया. लाइट का मतलब होता है हल्का और हैवी का मतलब होता है भारी. आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे. समझ आ गया? मतलब आपको सेंटेंस में कुछ चेंज नहीं करना. जो सर्कल हो रखा है जो वर्ड उसको चेंज करके अपोजिट कर देना और उस सेंटेंस को एज इट इज वैसे ही लिख देना है. अब देखो रीना वॉन द रेस. तो किसका अपोजिट लिखना है हमने? रीना लॉस्ट द रेस. वेरी गुड. रीना लॉस्ट द रेस. वॉन की जगह लॉस्ट लिख देना, बाकी वैसे उतार देना है, बाकी वैसे कॉपी कर देना. ठीक है. आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स. आई हेट ईटिंग. हाँ, लव का उल्टा क्या होता है? हेट. द ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल. Empty. हाँ, वेरी गुड. फुल का अपोजिट होता है empty. द ओल्ड मैन इज वाइज. वाइज का मतलब क्या होता है? वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान. ठीक है. विद द ओल्ड मैन इज वाइज. जो बूढ़ा आदमी था वो क्या था? बुद्धिमान था. अब बुद्धिमान का उल्टा क्या होगा? फूल. द ओल्ड मैन इज फूल. बाकी तो ऐसे एज इट इज कॉपी कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? अब देखो. Now give the opposite of the words below by adding an or im. अब देखो इनमें अपोजिट जब हम किसी चीज़ का करते हैं ना, जैसे हमने अभी लव का उल्टा लिखा तो लव का उल्टा क्या हुआ? हेट. लव का अपोजिट हेट लिखा. तो अब लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि हम सिर्फ अन लगा देंगे तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा. जैसे मान होता है ना, तो मान का हिंदी में क्या होता है उल्टा? मान का होता है अपमान. ठीक है. मान का मतलब होता है कि हम किसी की इज्जत कर रहे हैं और अपमान का मतलब होता है कि हम उसकी क्या कर रहे हैं? बेइज्जती कर रहे हैं. तो वैसे ही हमने सिर्फ अप लगाया ना उसमें. yes, sir. हिंदी में. अब वैसे ही इंग्लिश में भी होता है. तो जैसे हैप्पी में या तो हम अन लगाएंगे या इम लगाएंगे. अन लगाएंगे. अन अनहैप्पी लगाओगे. पोलाइट. पोलाइट में लगता है इम. इम पोलाइट. सीन अनसीन. प्रॉपर इम प्रॉपर. लकी अनलकी. पॉसिबल Impossible. वेरी गुड. Important. Important में लगता है अन. Unimportant. Perfect. Imperfect. Healthy. Unhealthy. Safe. Unsafe. Patient. Patient में हाँ impatient. अब pure. Pure में भी लगता है im. Impure. Clear है? बाकी ऐसे लिख दोगे आगे अन के आगे हैप्पी तो अपने आप लिख सकते हो आप? Yes, sir. नहीं लिख सकते? Yes, sir. Clear है? Yes, sir.